एमआरएस के सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। ये मेरा वीडियो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर हिंदी में है आप सबके लिए। तो सबसे पहले मैं ये डेफिनेशन देना चाहूँगी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग है क्या। बहुत सारे इसके अलग अलग डेफिनेशंस हैं। सबसे पॉपुलर वन ये है कि भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, जैसे कि बाहर जो बच्चे जंगल में जाके गार्डनिंग करते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उसको ज़्यादातर एक्सपीरियंशियल लर्निंग माना जाता है। लेकिन हम लोग जो हमारे NEP के थ्रू और जो हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात कर रहे हैं, ये वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है जो बच्चे के कनेक्शन है, जिसकी उसकी लाइफ के साथ, उसके कॉन्टेक्स्ट के साथ, आपकी स्कूल की कम्युनिटी है, कक्षा है, वातावरण है, आपका गाँव है, बच्चे का कुटुंब है, इन सब चीज़ों के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो बेसिक अगर डेफिनेशन हम देखें, उसका डेफिनेशन ये है इंटरैक्शन बिटवीन सेल्फ एंड एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? सेल्फ मतलब मैं जो बच्चा हूँ। इंटरैक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरैक्शन नहीं है तो फिर वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। और जो एनवायरनमेंट है वो क्या है? एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ पर्यावरण नहीं है। एनवायरनमेंट मींस कि जितने भी लोग हैं, कम्युनिटी है, क्लासरूम है, दूसरे बच्चे हैं, दूसरे शिक्षक हैं, अपने कुटुंब हैं, अपने बाहर जो दुकानें हैं या कुछ भी आसपास जो हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों या मटेरियल रिसोर्सेज हों, वो सभी चीज़ जो हैं वो इस एनवायरनमेंट में होती हैं। तो बच्चे का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में ये है कि हर चीज़ एक्सपीरियंस है। मतलब मैं बोर हो रही हूँ, मैं उदास हूँ, मेरा क्लासरूम बहुत ही बोरिंग है, मुझे टीचर से भी डर लग रहा है, वो भी एक एक्सपीरियंस है। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग ऑल्सो मीन्स जॉयफुल एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मतलब वी हैव टू चूज, राइट, हम लोग किस तरह का एक्सपीरियंशियल लर्निंग चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए। सो आई वुड से, या जो हम लोग जॉयफुल एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस करना ही है तो क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें जो इमोशंस हैं, चाहे वो भय है या जैसे कि वो खुशी है, ये अलग अलग इमोशंस हैं। हर इमोशन का इम्पैक्ट होता है और हर इमोशन के थ्रू हम याद रखते हैं। जो चीज़ से आप बहुत डरे हुए हो वो भी आप में समा जाती है, लेकिन जो चीज़ से आपको बहुत खुशी मिली हो वो भी समा जाती है। तो फिर क्यों ना हम खुशी का उपयोग करें, सम पॉजिटिव इमोशन इन द क्लासरूम। सो ये दूसरी चीज़ थी। अब जो बात रही कनेक्शन की, इंटरेक्शन विद रियल लाइफ, कई सारी एक्टिविटीज़ स्कूल्स कर रही हैं, जैसे कि आप लोग अपनी स्कूल्स में गार्डनिंग करवा रहे हैं, आपके कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, एनुअल फंक्शन होता है, स्पोर्ट्स इवेंट होता है, फील्ड ट्रिप्स होती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें जो बच्चे करते हैं उसका आप मैपिंग करिए। मतलब कि जो कॉम्पिटेंसीज बच्चे सीख सकते हैं, स्किल्स सीख सकते हैं, अगर आप उसकी कॉम्पिटेंसी आप नोट डाउन करेंगे तो उसमें जो जितना भी लर्निंग है वो इजीली होगा। ख्याल है आपको? इसका मतलब ये है कि आप उस चीज़ को एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज़ को क्यूरिकुलर ही बना रहे हैं। ये ही क्यूरिकुलम है। वॉट एवर यू आर डूइंग एक्स्ट्रा इज़ नॉट एक्स्ट्रा, इट इज़ द वे टू लर्न। क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें बच्चे उसी को सीखेंगे, उसी के द्वारा सीखेंगे। सो आपने हमारे जो यूनिट्स हमने किए थे उसमें हमने आपको प्रोजेक्ट मैपिंग भी सिखाया है, हमने आपको लेसन प्लान कराना भी सिखाया है। लेसन प्लान बहुत सिंपल है, स्टार्टर एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी एंड रिफ्लेक्शन। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंत में अगर बच्चे रिफ्लेक्ट ना करें तो फिर उस पर लर्निंग नहीं होगा, वो एक्सप्लिसिट नहीं होगा। तो जो भी बच्चे कर रहे हैं उसमें आप बीच में पॉज देके एक ये छोटा सा सर्कल बना के सबको पूछे, चलिए 2 मिनट का समय है, 5 मिनट का समय है, आप सोचिए आपने क्या सीखा इस गेम के द्वारा, क्या सीखा। तो ये रियल लाइफ कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। ये जो रियल लाइफ कनेक्शन और रिफ्लेक्शन का एक और मैं चीज़ कहना चाहूँगी कि रियल लाइफ जो कनेक्शन क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जो रियल लाइफ है उससे आपको फीडबैक मिलेगा। मैं सोचती हूँ कि मैंने ये पोस्टर बनाया है, बहुत ही बढ़िया पोस्टर है, सबको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मैं पोस्टर दूसरे बाहर जाके लोगों को बताती हूँ कि आपको क्या समझ में आ रहा है, आई कैन यू अंडरस्टैंड, मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही है, मेरा चित्र आपको समझ में आ रहा है, मैंने अवेयरनेस कैंपेन करना है, आपको समझ में आ रहा है, अगर वो लोग बोलते नहीं हमें नहीं समझ में आ रहा है, सो दैट इज़ अ फीडबैक डायरेक्टली। वो फीडबैक डायरेक्ट मुझे लोगों से मिल रहा है, टीचर से नहीं। टीचर तो अथॉरिटी फिगर है, तो अथॉरिटी फिगर से फीडबैक की बजाय आप रियल लाइफ के इस तरह से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, वहाँ से उनको फीडबैक मिले, ये एक चीज़ है। तो और जो फाइनल चीज़ है ये
रियल लाइफ कनेक्शन के साथ, ये है कि उसमें स्किल्स बहुत सारी आ जाती हैं अपने आप ही, किसी को कैसे अप्रोच करना, कैसे, जैसे कि अगर बच्चे गार्डनिंग कर रहे हैं तो किस तरह का सॉइल है उसमें, आपने क्या किस तरह से खोदना है, क्या करना है, कैसे मेजरमेंट्स करने, ये सारी चीज़ें आपने करते करते बच्चे सीखेंगे। और जब वो करते करते सीखेंगे तो उसमें एक सब्जेक्ट नहीं, वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ ही सीखेंगे। अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं या आप कुकिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं, कुकिंग की एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें हेल्थ भी आ गया है, हाइजीन भी आ गया है, उसमें साइंस भी आ जाता है, बायोलॉजी आती है, उसमें गणित आता है कि कितना हमको वॉल्यूम चाहिए, उसका क्या कॉस्टिंग होगा हम जो खाना बना रहे हैं, उसमें एनवायरमेंटल कॉम्पिटेंसीज आती हैं कि इसकी इसका इम्पैक्ट क्या होता है एनवायरमेंट पे, ऑर्गेनिक है कि नहीं है, पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं कि नहीं, मतलब वो एज ग्रुप के हिसाब से। तो जो इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में बहुत इजीली हो जाती है। एंड जो टीचर्स को ये टेंशन रहता ना कि अरे मेरा सिलेबस कैसे ख़त्म होगा, वो आप भूल जाइए। एनईपी में और जो नई गाइडलाइंस एनसीईआरटी से आ रही हैं उसमें कॉम्पिटेंसीज हैं, स्किल्स हैं, बस उतना ही बहुत है, आपको सिर्फ वही करना है, ठीक है। तो ये हमने आज बात की है पूरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में। आई होप दिस वॉज ईजी और ये आपको अच्छी तरह समझ में आया और आपको अच्छा भी लगा। थैंक यू।